सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में पनीर का सब्जी। तो यकीन माने फ्रेंड्स, इस तरह से घर पर सब्जी बना लेंगे तो आप रेस्टोरेंट का सब्जी है जो खाना भूल जाइएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया था, उसे मीडियम पीसेस में कट किया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाला है, और सभी को अच्छे से पनीर में मसालों को मिला लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पनीर में मसालों को है जो अच्छे से मिला दिया है। तो यहाँ पर मैंने गैस पर पैन रखा है और इसमें मैंने एक चम्मच घी डाला है। घी की जगह आप बटर भी डाल सकते हैं, अगर घर में दोनों ही ना हो तो आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सरसों का तेल में से भूंजिएगा नहीं, उससे जो टेस्ट है अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने पनीर के पीसेस को डाल दिया है और इसे 2 से 3 मिनट मीडियम गैस पर भूंज लेती हूँ। यहाँ पर पनीर है जो अच्छे से भूंजा गया है, ये देखिए। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसे भी साइड में मैं रख देती हूँ। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रखा और उसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। तो यहाँ पर मैंने खड़ा गरम मसाला डाला है और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें खड़ा जीरा डाला है, 2 लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ते मैंने डाला है और यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हींग डाला है। हींग से जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है, अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं। मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, तो 4 मैंने बड़े साइज का प्याज लिया था, उसे मैंने बारीक पीसेस में कट करके डाला है। इसे मैं 2 से 3 मिनट तक मिलाकर भूंज लेती हूँ। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से फ्रेंड्स प्याज जो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर का प्योरी। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज का टमाटर लिया था, उसे मैंने पीस के डाला है। इसे भी मिलाकर अच्छे से भूंज लेती हूँ। तो टमाटर को तब तक भूंजिएगा फ्रेंड्स जब तक टमाटर का जो कलर है चेंज ना हो जाए, तब तक इसे लगातार इसी तरह से मिलाते हुए भूंजना है। अच्छे से भुंजा गया है, तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है और इसे मैं मिला लेती हूँ। इसमें मैं डालूँगी सूखा मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और इसे भी मिलाकर भूंज लेती हूँ। इसे तब तक मिलाना है फ्रेंड्स जब तक मसालों में से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पर मसाला है जो भुंजा गया है, इसमें से जो खुशबू है बहुत ही सोनी सोनी मसालों का जो आता है उस तरह से आने लगा है। तो इसमें मैं डालूँगी अब भुंजा हुआ बेसन। तो मैंने पहले से ही 2 चम्मच बेसन को भूंज के रखा था, वो मैंने डाला है। इससे जो फ्लेवर है फ्रेंड्स इसमें बहुत ही अच्छा आता है और ग्रेवी भी गाढ़ी बनती है। तो के साथ मैंने बेसन को भी अच्छे से मिलाकर भूंज लिया है। तो मैं इसमें डालूंगी फ्रेश दही, 2 चम्मच मैंने इसमें फ्रेश दही डाला है। इससे जो का फ्लेवर है जो ग्रेवी में बहुत ही अच्छा आता है। अगर फ्रेंड्स फ्रेश दही नहीं है तो उसके जगह आप फ्रेश इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, और अगर दोनों ही नहीं हो तो आप ऐसे भी इसका ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भुना हुआ ऊपर से कस्तूरी मेथी डाला है और 4-5 मैंने हरा मिर्च लिया था, उसे बीच से चीरा लगा के डाला है। सभी को मैंने अच्छे से मिलाकर भूंज लिया है। 2 कप मैंने इसमें पानी डाला है। तो ग्रेवी कम या ज़्यादा अपने अनुसार आप रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको रोटी के साथ खाना है या पराठे के साथ तो ग्रेवी को आप गाढ़ा ही रखिएगा, अगर आप चावल के साथ इसे खाइएगा तो ग्रेवी थोड़ा आप पतला ही इसका रखिएगा। अब मैं इसे ढक्कन से ढक देती हूँ। तो यहाँ पर ग्रेवी में जो अच्छे से उबाल आ गया है, तो अब मैं इसमें पनीर को डाल देती हूँ, ये देखिए, ऐसे अच्छे से मिला देती हूँ। तो इसे 2 मिनट और मैं ग्रेवी के अंदर ही पकने देती हूँ। 2 मिनट हो गया है और सब्जी बिल्कुल ही रेडी हो गया। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, एक बार घर पर इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा,
बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। अगर आप इस तरह से पनीर का सब्ज़ी बना लेंगे तो यकीन माने होटल का आप सब्ज़ी खाना भूल जाइएगा। घर पर ही इतना टेस्टी सा और आसान तरीक़े से सब्ज़ी को बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल मसाला लगा है जो आपको किचन में हर समय मिल जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करें।